डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रजा हल के बारे में बता रहा हूँ। प्रजा हल या मेस्टर्न हल से आकार में कुछ बड़ा होता है और इसका कोण अपेक्षाकृत अधिक गहरा तथा चौड़ा होता है। इसमें मोल्डबोर्ड जो है उसका अधिक बकरी होना होता है और ऐसा हल जो है हरी खाद की फसल को दबाने के लिए तथा मिट्टी पलटने के लिए अच्छा माना जाता है। इसका आकार 17.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसके डिटेल के बारे में जानना है तो ये पहला पॉइंट है, हल की किस्म छोटी हरीस वाला, हल का आकार 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हल का आकार आप 15 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ये 17 सेंटीमीटर 17.5 कन्फ्यूजिंग है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हार का झुकाव 4.5 × 3, 4.5 का मतलब ये क्षैतिज झुकाव और 3 जो है वर्टिकल या उदग्र झुकाव होता है। कूण का आकार जो होता है, कूड़ का आकार का मतलब कूड़ की चौड़ाई और गहराई, ये 15 × 12.5 सेंटीमीटर। इस हल का भार 18 किलो होता है। इसका खिंचाव 100 से 110 केजी और एक दिन की कार्य क्षमता जो 8 घंटे की कार्य क्षमता होती है 0.33 हेक्टेयर। चूँकि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी नामांकित चित्र बनाने के लिए भी पूछता है तो ये आप इसको जो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये इसका हैंडल है, ये मुठिया है, ये हरीस है। हरीस यहाँ देखिए 3 छिद्र दिए गए, एक क्लेविस बोलते हैं इसको, ढांचा है। यहाँ पे मोल्डबोर्ड यानी पंखा, ये फार है, पीछे ये दावरोधी है और ये ढांचे द्वारा हरीस से स्टेपल या कोई भी क्लैम्प कर सकते हैं, इसे हरीस से जोड़ा गया है। और इसके बारे में, इसका फार जो है वो चिल्ड कास्ट आयरन द्रुत शीतित ढलवा लोहे का बना होता है और इसका जो फ्रेम होता है ढांचा वो ढलवा लोहे का बना होता है। इसकी मोल्डबोर्ड की लंबाई 39.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20.25 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई 1.25 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई जो 1 मीटर होती है। इसकी हरीस लकड़ी सागौन या साल या शीशम किसी का हो सकता है, जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है और इसकी कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर। तो ये जो हल है इसका चित्र बनाना है और इधर ये जो डिटेल दिया है इसका डिटेल ज़रूर लिखना है। डिटेल में 7 पॉइंट है, इस 7ों को आप ज़रूर लिखिए। इसके अलावा फार किस लोहे से बना होता है ये भी लिखना है। नेक्स्ट प्लाउ जो आपके कोर्स में हो, शाबाश हल, ये अभी मेस्टन की भांति एक हत्थे वाला हल है। इसमें ढलवा आयरन यानी ढलवा लोहे के स्थान पर स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसका फार जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है और यह हल जो है दोमट मिट्टी में जुताई करने के लिए अच्छा माना जाता है। इस हल का ये फिगर दिया गया है, इसको भी आपको कई बार बना के प्रैक्टिस करिए। ये हरीस है, ये मोल्डबोर्ड है, फार ये जो नुकीला भाग ये फार है, इसके पीछे जो है दावरोधी है, ये हत्था है, ये मुठिया है। यहाँ पे 3 छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनको क्लेविस बोलते हैं, क्लेविस। इसी में रस्सी डालकर इस हल को जुए मतलब जो बैलों के कंधों पर होता है उससे जोड़ा जाता है। इस हल की जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं उसको भी ज़रूर आपको याद करके लिखना है। जैसे
हल्की किस्म कौन सा है? लंबी हरीश वाला। इसका साइज कितना है? 15 सेंटीमीटर। झुकाव 3x9 सेंटीमीटर। कोण का आकार 15x12.5 सेंटीमीटर। और इसका खिंचाव जो है, हल्का भार 16 केजी और खिंचाव 90 से 100 केजी। 90 से हल्का खिंचाव 90 से 100 केजी। और एक दिन की कार्य क्षमता 0.04 हेक्टेयर। और इसमें जो है थ्रोट क्लियरेंस अधिक होता है। थ्रोट क्लियरेंस का मतलब फार की नोक से हरीश तक की लंबवत दूरी। और नेक्स्ट प्लाऊ है आपका वाह वाह हल। इस हल के मुख्य भाग इस्पात के बने होते हैं और इसके फार जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और ये साधारण जुताई के अतिरिक्त घास वगैरह नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें रूटर लगाकर गहरी जड़ों वाले खरपतवार को आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसका फिगर दिया गया है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। इसमें मुठिया है, हत्था है, हरीस है, मोल बोर्ड है, फार। ये इसमें 3 सुराख दिए गए हैं जिसे क्लेविस कहते हैं। और इसी क्लेविस की सहायता से इस हल को जुए से जोड़ा जाता है। यहाँ भी आपको ये जितने भी हल बताया जा रहे हैं केवल आपको उसका नाम लिखना है और उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट में दिया गया इसको लिखना है, फिगर बनाना है और उसके भाग किस किस लोहे से या लकड़ी से बने ये भी लिखना है। जैसे हल की किस्म लंबी हरीस वाला, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसकी हरीस लकड़ी की बनी होती है। हल का आकार 15 सेंटीमीटर। आप 15 सेंटीमीटर ही लिखिएगा। हल का आकार कितना है? 15 सेंटीमीटर। फार का झुकाव 4.5x9 सेंटीमीटर। कोण का आकार, देखिए कोण का आकार जो होता है उसमें पहला पॉइंट जो अधिक वाला वो चौड़ाई होता है, जो कम वाला वो गहराई, जैसे 15x12 सेंटीमीटर। तो ये एक कॉमन तरीका है कि हल का आकार वही होगा जो कूड़ का आकार होगा। इसलिए हल का आकार 15 सेंटीमीटर और कूड़ का आकार मतलब कूड़ की चौड़ाई और हल का आकार बराबर होगा। यहाँ भी 15 सेंटीमीटर, गहराई 12 सेंटीमीटर, हल का भार 16 किलोग्राम, हल का खिंचाव 90 से 100 किलोग्राम और एक दिन की कार्य क्षमता जो 8 घंटे में 0.33 हेक्टेयर। तो इस प्रकार ये 3 हल के बारे में आप इसका नाम लिखना है, इसका चित्र बनाना है और इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको लिखना है। और इसमें आप ये भी ले सकते हैं हत्थों की संख्या सिंगल होती है और इस सभी के हत्थे हरीस वगैरह ये जो लकड़ी बने होते हैं और फार किस किस लोहे का बना होता है ये भी दिया गया है। तो ये सब याद करके या लिख करके अपने कॉपी में याद करिए। थैंक यू।